हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा नॉर्मैलिटी. सो विल टॉक अबाउट नॉर्मैलिटी. सो देखिए यहाँ पर नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से लिखा जाता है. जब आप लैब में टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, यू नो केमेनोफोर को यूज करते हुए ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन अगर आप स्कूल जाते हो तो आपने की होगी, और स्कूल जाना चाहिए. लैब की बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने लायक है, जो हमें काम देती हैं. सो फाइनली यहाँ पर जो नॉर्मैलिटी का इस्तेमाल हम लोग टाइट्रेशन के टाइम पे बहुत करते हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा. हम लोग लैब असिस्टेंट हमें बोलता है कि N1V1 = N2V2 करके कैलकुलेशन कर लो, बोलता है कि नहीं बोलता है. सो फाइनली एन क्या है यहाँ पर? नॉर्मैलिटी. सो जरा हम लोग समझे कि नॉर्मैलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से हम लोग इसको देखते हैं. नाउ व्हाट इज नॉर्मैलिटी, सबसे पहले उसको देखते हैं. दैट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये तो इसको डिफाइन कर दिया मैंने यहां पर, ये डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. नाउ मोल्स की जगह अभी क्या लिख दिया यहां पर? इक्विवेलेंट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हमने जब मोलैरिटी को डिफाइन किया तो क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स. तो जरा यहां पर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने एक नया टर्म लगा दिया, इक्विवेलेंट. सो यहां पर एक नया टर्म लगाया है जिसको हम लोग EQ से लिख रहे हैं. अब ये क्या है? पहले इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. जरा ध्यान से इसको देखिए. सो फाइनली नॉर्मैलिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे? दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये लीजिए, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो देखिए यहां पर लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया. सो चलिए ध्यान से इसको देखिए. अगर इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, दैट इज EQ/VL, इजंट इट. यहां पर देखिए मोलैरिटी में हम लोग यहां लिखते थे N/VL, यहां पर लिखे EQ/VL. EQ मतलब इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमने लिख दिया. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट. तो देखिए यहां पर मोल्स को आप कैसे डिफाइन करते थे, मैं इस तरफ लिखता हूं. आप देखिए यहां पर मोल्स को कैसे डिफाइन करते थे, मोल्स को स्मॉल एन से लिखते थे. दैट इज द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, क्या करते थे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट. लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मोल्स ऐसे ही निकालते हम लोग. दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे ही निकालते हैं. सो इस तरह से इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जरा ध्यान से उसको देखिए. यहां पर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. जरा ध्यान से इसको देखिए, मोल्स का मतलब द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट. यहां पर क्या लिखा है? द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. तो अगर ये वैल्यू मैं उठा के वहां पर रख दूं तो नॉर्मैलिटी का मतलब क्या निकलेगा, जरा देखिए. द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही बना. अब यहां पर ये इक्विवेलेंट मास क्या है, जरा उसको देखिए. सो यहां पर एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. मोलर मास को जब आप एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, नाउ दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, जब आप मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट मास मिलता है. अब सवाल सारा यही है कि अब एन फैक्टर कहां से लाएं. अच्छा चलो, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू अगर उठा के मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो यहां पर फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा उसको देखिए. दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इंटू क्या करोगे, एन फैक्टर. तो जरा ध्यान से इसको देखिए, यह आपका फाइनल फॉर्मूला बना. दोबारा बता देता हूं, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, साथ में क्या बन गया, एन फैक्टर. तो जरा ध्यान से इसको देखिए, सोल्यूट का मास आपको गिवन होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, जान ही जाओगे. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको पता होता है, ले दे के बात है एन फैक्टर की. सो यहां पर एन फैक्टर का कैलकुलेशन सीखेंगे. बाय द वे मैंने एन फैक्टर पर एक वीडियो बना रखा हूं यूट्यूब पे, आप सब लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो मैं यहां पर कैलकुलेट करना सिखाता हूं आपको, उसके बाद हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल करेंगे. सो फाइनली यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो मैंने वहां पर लिख दिया है. अब खेल है सारा एन फैक्टर का, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो बॉक्स में बंद है, कि नॉर्मैलिटी को डिफाइन करते हैं इस तरह से. यहां पर इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, दैट इज वेट बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. सो चलो यहां एन फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं. एक्चुअली एन फैक्टर डिपेंड करता है कि सोल्यूट आपका कैसा है, ठीक है, वो एक एसिड है, वो एक सॉल्ट है, वो एक बेस है, या फिर वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उस पर डिपेंड करता है एन फैक्टर. तो चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं एन फैक्टर की कैलकुलेशन. तो राइट डाउन द कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर. कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं,
एन फैक्टर की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। सबसे पहले किसके केस में सीखेंगे? इन द केस ऑफ एसिड। तो पहला केस लेते हैं, इन द केस ऑफ एसिड, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ एसिड, अगर आपका जो सॉल्यूट है जो आपने डाला है वो एसिड हो, तो उसके लिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे होती है? दैट इज नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स, एच प्लस आयन्स गिवन बाय, गिवन बाय एसिड इन एक्वस मीडियम और इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन फैक्टर फॉर दैट एसिड। जरा ध्यान से समझिए, अगर आप एसिड की एसिड के लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, दैट इज नंबर ऑफ एच प्लस आयन गिवन बाय दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। जरा समझें इसको, सपोज आपके पास HCl है, एक्वस, HCl एक्वस है, जब आप HCl को पानी में डालते हैं तो कैसे टूटता है ये? जरा ध्यान से इसको देखिए, ये H+ और Cl- में टूटता है, बताइए इस HCl ने कितने H+ आयन दिए एक्वस सॉल्यूशन में? एक। सो फाइनली यहां पर इसका N फैक्टर कितना होगा? सो यहां पर N फैक्टर होगा इसका 1। क्लियर है? अभी मैं आपको क्लियरिटी यहां पर दे देता हूं कि N फैक्टर डिपेंड करता है कि उसने कितने H+ आयन दिए एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं कि उसके पास जितने हाइड्रोजन अवेलेबल है वो होंगे। तो मैं आपको ये आपका भ्रम दूर कर देता हूं। दूसरा आपके पास एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज H2SO4। अब HCl H2SO4 ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बेसिकली हम लोग यहां पर रिवर्सिबल का साइन नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरे कंप्लीटली कैसे होता है, H+ साइन जितने होते हैं उतने H+ साइन वो दे देता है, ठीक है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग, यहां पर HSO4 भी क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? तो ये क्या करता है, ट्वाइस ऑफ H+ साइन देगा जनरली और SO4 माइनस 2, इस तरह से ही टूटता है। सो फाइनली इतने इसने कितने H+ साइन दिए? दो। सो फाइनली इसका N फैक्टर कितना हो गया? दो। तो मतलब ये निकलता है कि एसिड जितने H+ साइन देता है एक्वस सॉल्यूशन में एक्चुअल में वही उसका N फैक्टर होता है। सबको समझ में आ गया? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए आप स्पेशल केसेस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसको फटाफट से लिख लीजिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। सो चलिए गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था कि एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करें। तो एसिड के लिए हमने देखा कि जितने H+ आयन वो देगा वो उसका एन फैक्टर होगा, जैसे कि H2SO4 मैंने लास्ट एग्जांपल दिया जहां पर वो दो H+ आयन दे रहा था। ऐसा भी पॉसिबल है, जरा ध्यान से उसको देखिए, कि H2SO4 अगर ऐसे टूटे तो जरा ध्यान से उसको देखिए, अगर इसने एक ही H+ आयन दिया और साथ में HSO4- लिखा हुआ है तो वो डिपेंड करता है, एक्चुअली एन फैक्टर कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां पर कंप्लीटली ये क्या करेगा, दो H+ आयन देता ही है। सो यहां पर जब तक मेंशन ना हो कि इस तरह से टूट रहा है, तब तक आप एन फैक्टर कैलकुलेशन क्या करोगे, जनरल वे से करोगे। सो उसके लिए आपको टेंशन लेना है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि एन फैक्टर कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि वो डिसोसिएट कैसे हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो इस केस में अगर कोई एन फैक्टर पूछे तो आपसे कितने H+ आयन दिए, एक, तो एक्चुअल में एन फैक्टर कितना होगा, 1। क्लियर होता है सबको? अदरवाइज जनरली सॉल्यूशन में हम लोग सीधे लेते हैं HSO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 2 लेते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एसिड के केस में जितने H+ आयन वो डोनेट कर सकता है या किए हैं एक्चुअल में वही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है? तो अपन जब क्वेश्चन लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एसिडिक एसिड। अब देखिए एसिडिक एसिड का अगर एग्जांपल लें तो यहां पर ये जब डिसोसिएट होता है तो कितने H+ आयन देता है, सिर्फ एक। देखिए ये इस तरह से डिसोसिएट होता है, CH3CW- और प्लस में क्या देता है, H+। तो यहां पर कितने H+ आयन दिए, 1। तो फाइनली एन फैक्टर कितना हुआ, 1। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। सो ये मतलब निकलता है एसिड के केस में। नाउ विल टॉक अबाउट एन फैक्टर फोर बेस, एन फैक्टर फोर बेस। अगर आप बेस के केस में एन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो देखिए बेस के केस में बहुत ईजी है। बेस के केस में क्या होता है, देखिए द नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन्स, ओ एच माइनस आयन्स गिवन बाय, आयन्स गिवन बाय बेस इज कॉल्ड एन फैक्टर। बेस जितने H+ आयन देगा पानी में वो उसका एन फैक्टर होगा, दैट्स इट। तो देखिए यहां जरा ध्यान से, सपोज आपके पास एग्जांपल दिया हुआ NaOH, तो देखिए अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो किस में टूटेगा, Na+ प्लस एंड OH माइनस। तो आप खुद ही सोचिए यहां पर कितने OH माइनस आयन उसने दिए, 1। सो फाइनली इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया 1। क्लियर है? एक्सेप्शनल केसेस जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको धीरे धीरे अंदाजा होगा। एक बात ध्यान रखिए, होता बहुत ही क्लियर है अगर आपका माइंड बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है तो 90% चीजें समझ में आ जाती हैं। सपोज कि एक आध कोई चीज अभी समझ में नहीं आई तो उसके लिए अपने माइंड को लॉक मत करो, आगे बढ़ो।
कई बार ऐसा होता है, देखिए हमारे टीचर भी हमें कहा करते थे, कई बार ऐसा होता है कि चीज एकदम तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे, बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ एक चीज रह जाती है। अब जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करने लगोगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, वैसे वैसे चीजें और क्लियर होती जाती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बड़े ध्यान से इनको देखते रहो कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो फाइनली NaOH मतलब आप बेस के मतलब में समझ गए होंगे कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सपोज वी हैव अ सोल्ट, तो एन फैक्टर फोर सोल्ट, यहां पर एक्सेप्शनल केसेस में आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सो एन फैक्टर फोर सोल्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि सोल्ट के केस में एन फैक्टर क्या कैसे निकालते हैं, सो अगर कोई सोल्ट दिया हो तो उसके केस में दैट इज टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए, आपको आसानी होगी। देखिए अगर सोल्ट के केस में कोई एन फैक्टर पूछता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। एक और खास बात, एन फैक्टर कभी भी ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो एक नंबर होता है, ठीक है। सो अगर आपको सोल्ट के केस में कोई पूछे कि कितना एन फैक्टर होगा, तो या तो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या उसका टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। सो सोल्ट के केस में देखिए आपको क्या करना होता है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज आपको देखना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज आपको दे दिया Na2CO3, ठीक है, यहां पर सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया और आपसे पूछा बताइए सोल्ट के लिए एन फैक्टर कितना होगा, तो आपको या तो पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव टोटल मैग्नीट्यूड चार्ज लेना है, और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, आपको साइन नहीं लेना है, क्योंकि एन फैक्टर प्लस और माइनस नहीं होता। तो आप खुद ही सोचिए यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस टू, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस टू, इजंट इट। तो यहां पर एन फैक्टर कितना होगा, दो, दैट्स इट। यही होता है सोल्ट के केस में एन फैक्टर, क्लियर है। जैसे कि हम लोग पूछे NaCl के केस में, NaCl भी सोल्ट है, तो यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है प्लस वन, नेगेटिव चार्ज माइनस वन, तो एन फैक्टर कितना होगा, दैट्स इट, वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसी तरह से आप खुद सोचिए कि सपोज अगर मैं यहां पर लिख दूं दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस, मैंने लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो आप बताइए कि एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर कितना होगा। सो एन फैक्टर, अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो भी एक सोल्ट है, तो यहां पर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, जरा सोचो, एक एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री होता है तो दो एल्यूमिनियम पे कितना हुआ, प्लस सिक्स, एक SO4 माइनस टू पे माइनस टू होता है, एक SO4 आयन पे माइनस टू होता है, तो तीन पे कितना हुआ, माइनस का छह, तो यहां पर टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है, तो यहां पर कितना लिखोगे, छह। सो फाइनली इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हो गया सोल्ट के केस में कैसे होता है। तो चलो अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से उसको देखें। देखिए अब चलते हैं आगे, ये हुआ एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर एसिड एंड एन फैक्टर फॉर सोल्ट। अब चलते हैं आगे, अब देखिए सपोज आपसे एन फैक्टर पूछा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का पूछा आपसे कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सीख लीजिए बहुत आसान होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, यहां पर क्या होता है, कैसे निकालते हो एन फैक्टर, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। मैं आपको उसका एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, वही उसका एन फैक्टर होता है। जरा ध्यान से उसको देखिए, सपोज आपको मालूम है कि KMnO4 की अगर हम बात करें तो KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद रिड्यूस हो जाता है। अगर ये आप KMnO4 का इस्तेमाल कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, देखिए ऑक्सैलिक एसिड से आप टाइट्रेशन कराते हो लैब में KMnO4 के साथ, और KMnO4 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि लैब में जनरली मिल ही जाता है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो KMnO4 खुद कहां जाके रिड्यूस हो जाता है, Mn+2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मगअप करनी है चीजें, एक्सपेरिमेंटल चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो यहां पर कोई पूछे कि बताइए कि KMnO4 का एन फैक्टर कितना है, तो यहां पर क्या करना होता है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि KMnO4 में किसका, ये खुद का रिडक्शन किया है इसने, लेकिन रिडक्शन कितना हुआ है, जरा ध्यान से इसको चेक करिए। रिडक्शन हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहां पर देखिए पोटेशियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो सकता, ये प्लस वन पे ही जाएगा, उधर भी ऑक्सीजन का भी चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज हो रहा है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट का हो रहा है। यहां पर बताइए मैग्नीज का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ये देखिए ये हुआ ऑक्सीजन के केस में टोटल हुआ -8, कैसे हुआ, एक ऑक्सीजन पे -2, चार ऑक्सीजन पे -8, एक पोटेशियम पे कितना है +1, तो आप सोचिए ओवरऑल इसका 0 होता है तो मैग्नीज पे कितना हुआ +7, हुआ कि नहीं हुआ, तो मैग्नीज +7 से कहां जा रहा है, +7 से मैग्नीज जा रहा है +2 पे, कितने का चेंज आया,
इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब ये प्लस 7 से प्लस 2 पे गया, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए 5, तो यहां पर n फैक्टर कितना हुआ 5। केमिनोफोर का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 होता है। सो ये एसिडिक मीडियम के केस में हुआ कि केमिनोफोर Mn प्लस 2 में कन्वर्ट होता है। अब हमको क्या देखना है कि केमिनोफोर देखो एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको एसिडिक मीडियम के अलावा बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, तो ये इसकी खास बात होती है। सो अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं तो बेसिक मीडियम में जो केमिनोफोर है बेसिकली वो कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। किस में कन्वर्ट होता है? K2MnO4, या फिर इसको लिख सकते हो MnO4-2। ये रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपने पढ़ी है तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शंस हैं, कन्वर्जन्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख लो। केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में Mn प्लस 2 में कन्वर्ट होता है। अगर ये Mn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर n फैक्टर होगा 5, विच इज फिक्स्ड, ठीक है। यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो केमिनोफोर K2MnO4 में कन्वर्ट होता है। तो जरा चेक करो, यहां पे प्लस 7 तो हमें पहले से पता है, तो यहां पर कितना है? सब लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहां पर कितनी आ रही है? प्लस 7 से प्लस 6 आ रही है, जरा चेक करो, क्योंकि केमिनोफोर K2MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर देखिए माइनस 8 है तो प्लस 2, तो प्लस 6 और बचा, तो यहां पर प्लस 6 है, तो प्लस 7 से प्लस 6 पे जा रहा है। तो बताइए चेंज कितने का आया? 1 का। तो फाइनली यहां पर n फैक्टर कितना हुआ? 1, क्लियर है। इसी तरह से केमिनोफोर को अगर न्यूट्रल मीडियम में चेक करें तो यहां पर केमिनोफोर न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? MnO2। गाइज ये ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता और ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। सो फाइनली कन्वर्जन आपको क्लियर होना चाहिए, Mn प्लस 2, K2MnO4 एंड MnO2। सो फाइनली अगर यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना आएगा? प्लस 4। तो यहां पर चेंज कितने का आ रहा है? प्लस 7 से प्लस 4, मतलब 3 का चेंज आ रहा है। तो n फैक्टर कितना हुआ? 3। सो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केमिनोफोर का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 होता है, बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1 होता है और न्यूट्रल मीडियम में जो n फैक्टर होता है वो 3 होता है। क्लियर हो गया। अब यहां से इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखिए अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हो? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। और कई बार क्या होता है, ऐसे सवाल पूछ लेता है कि केमिनोफोर का इक्विवेलेंट मास बताओ एसिडिक मीडियम में। तो देखो ऐसे आंसर कैसे निकालते हैं, द इक्विवेलेंट मास ऑफ केमिनोफोर इन एसिडिक मीडियम, वो कैसे निकालेंगे? दिस इज वेरी सिंपल, मोलर मास ऑफ केमिनोफोर डिवाइड बाय एन फैक्टर। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है? 5। और इसका मैं आपको बता देता हूं, मोलर मास होता है 158 डिवाइड बाय 5, दैट्स इट। तो ये आपको करना होता है, इस तरह से सवाल पूछते हैं। इसी तरह से मैं आपको होमवर्क देता हूं, बताइए बेसिक मीडियम में केमिनोफोर का यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? तो इसको 158 को किससे डिवाइड करना है? देखिए 158 डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है? 1। इसी तरह से आप इसका भी निकालिए, 158 डिवाइड बाय 3। क्लियर होता है सबको? सो फाइनली इस तरह से हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आपको क्या करना है एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, एन फैक्टर हमने निकालना सीख लिया, अब इन पे प्रॉब्लम्स करेंगे आगे की तरफ, लेकिन पहले हम लोग सभी टर्म्स को डिफाइन कर लेंगे। अब एक और खास चीज पर चलते हैं, चलिए। सो फाइनली हमने नॉर्मैलिटी में एन फैक्टर को भी सीख लिया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं एन फैक्टर की, ठीक है। एसिड के केस में जितने एच प्लस आयन दे, बेस के केस में जितने ओ एच माइनस आयन दे, सोल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इस तरह से एन फैक्टर को निकाला जाता है, विच इज वेरी इजी। तो जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, सो डोंट वरी, सिर्फ लिखते जाइए और उसको ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, फाइनली हमने यहां पर नॉर्मैलिटी निकाल लिया। सो नॉर्मैलिटी जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से, और उसका फॉर्मूला आपने जान लिया क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला लग दूं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हो? एन फैक्टर। सो ये यहां पर नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब एक और बात सोचिए, आपने इससे पहले मोलैरिटी भी डिफाइन किया है। मोलैरिटी क्या होता है? द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, होता है कि नहीं होता है? तो फाइनली जरा इस पे फोकस करो, जरा ध्यान से इसको देखो। ये जो टर्म है ये आपको यहां पे भी दिखाई दे रही है, देखो ये देखिए, द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिख रहा है? सो फाइनली यहां पर नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ? मोलैरिटी लिख सकता हूं उसकी जगह पे, इनटू क्या हो गया? एन फैक्टर। सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर किसी सॉल्यूशन का अगर आपको मोलैरिटी पता है
तो आप नॉर्मैलिटी निकाल सकते हो, नॉर्मैलिटी पता है तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, सिर्फ आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एन फैक्टर की। सबको समझ में आ गया, तो ये मतलब निकलता है। अच्छा, एक और चीज से आप इसको चेंज कर सकते हो, नॉर्मैलिटी क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। हाँ या ना, मैंने सिर्फ फॉर्मूले ही रखे हैं और कुछ नहीं किया। सो यहां पर ये VL से VL कैंसिल कर दूं, तो इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी होता है, जिससे आप बिना बैलेंस किए किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस मेजर कर सकते हैं गाइस, उसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। और उसके लिए ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होते हैं, वो कॉन्सेप्ट लगाने पर बहुत आसानी से बहुत सारे सवालों के जवाब निकाले जा सकते हैं। तो मैं आगे आपको कभी उनके क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के अंदर, जो कि 11th में खैर सिखा दिया जाता है। सो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। सो सारा खेल एन फैक्टर का है, मैं आपसे फिर से कहूंगा, मैंने एन फैक्टर पे ऑलमोस्ट 1 आवर का वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप प्लीज देखिए, काफी लोगों ने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप प्लीज चैनल को विजिट करिए, आपको वहां पे दिख जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, हमने आज क्या सीखा, नॉर्मैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हमने अभी खत्म कर ली हैं, अब हम टेम्परेचर इनडिपेंडेंट टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए कि इस तरह से आप केमिस्ट्री ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। गाइस, डू शेयर दिस वीडियोस और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।